वेलकम टू लवबर्ड डायरी पाकिस्तान। मेरा नाम दानियल खावर और आज मैं न्यू ब्लॉग के साथ अपने व्यूवर्स के लिए हाजिर हुआ हूँ। सो व्यूवर, आज मॉर्निंग में सोचा क्यों ना ब्लॉग शूट किया जाए और आपसे प्रॉपर अपने बर्ड से, और आज का स्पेशल ये है कि मेरे पास कुछ पिजन्स आए थे। मेरे वालिद साहब इन्होंने कबूतर रखे हुए थे, तकरीबन 50-100 कबूतर था फाइटर, वो लड़ता था। तो वो कबूतर वालिद साहब ने सेल आउट कर दिए थे, तो उनमें से तकरीबन 6 या 7 कबूतर वापस आए और 3 या 4 मैंने खुद से परचेज़ किए। तो अब मेरे पास तकरीबन 15-20 कबूतर हैं। तो सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ पिजन से मुतल्लिक भी कुछ मालूमात शेयर की जाए, और इनको आज निकालते हैं बाहर और उड़ाते हैं, क्योंकि मेरी छत पर है प्रॉपर वायर केज, तो इसमें कबूतरबाजी होती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इनको बाहर निकाल कर और उड़ाएँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो व्यूवर्स, ये वही पिजन है अभी जिनका मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि ये पिजन मेरे वालिद साहब ने रखे हुए थे, 50-60 कबूतर थे, माशाल्लाह से उड़ते थे। तो ये सेल आउट हो गए थे, तो अभी इनमें से तकरीबन 10 से 15 वापस आए हैं भाग के, तो इनको भी खोलेंगे और इनको फ्लाइंग करवाएंगे और देखेंगे ये वापस आते हैं या नहीं। और उससे पहले मैं आपको अपने बर्ड्स दिखाता हूँ। माशाल्लाह बर्ड्स भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं और बेहतरीन है, अल्बाइनोस। और साथ, जैसा कि आपको पता है, मेरे सब्सक्राइबर को पता है कि साथ फिशर्स की कलोनी, और माशाल्लाह से ये बर्ड्स तो अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत प्यारे हैं और अच्छे हैं। तो चलें खोलते हैं अपने पिजन्स और निकालते हैं इनको बाहर और देखते हैं, इसको साइड पर करते हैं, पिजन्स को बाहर निकालते हैं। जी तो अभी ये निकालते हैं इनको बाहर, कौन की मदद से निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि ये निकलते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये मुझे लग रहा है बाहर नहीं आना चाह रहे, लेकिन मैं इनको बाहर निकाल कर रहूँगा। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह से मेरे पिजन्स बाहर आना शुरू हो गए हैं, अब इनको फ्लाइंग करवाएंगे और बाहर इनको उधर से बाहर केज में से बाहर निकालेंगे, इन जाल में से, और वहाँ निकालेंगे इनको केज वगैरह, और कुछ बाजरे का इंतज़ाम करते हैं क्योंकि मुझे कबूतर बिल्कुल नहीं उड़ाने आते। और पहले इनको थोड़ा सा दाना वगैरह खिलाते हैं, फिर इनको फ्लाइंग करवाएंगे। माशाल्लाह से ये 9-10 कबूतर हैं जो फ्लाइंग करते हैं, इनको बाहर निकालते हैं। चलो भाई, टाइम हो गया आपका उड़ने का, निकलो बाहर, चलो चलो निकलो बाहर, निकालते हैं इनको बाहर, चलें 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 बाहर, टाइम हो गया मेहनत करने का। जी तो व्यूवर्स, जी व्यूवर्स, तो इनको उड़ा दिया जाए। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह से फ्लाइंग के लिए रेडी हो गए हैं मेरे पिजन्स और फ्लाइंग कर रहे हैं। पहली हवा है इनकी, तो ये इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं फ्लाइंग के लिए, और अभी इनको वापस नहीं बुलाएंगे, इनको अभी हम दूर भेजेंगे। तो वो कैसे जाएंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इनको दूर भेजने की कोशिश ज़रूर करेंगे फुल। और माशाल्लाह से ऊपर गोल हो गए हैं कबूतर मेरे, आप देख सकते हैं, और ये फाइट हो गई है पिजन्स की फ़ाइट हो गई है व्यूवर्स। माशाल्लाह से ये सामने एक छत है उनके साथ, उनके कबूतर वगैरह खुले थे, तो इनको बुलाएंगे अब। आओ नहीं, मेरे पिजन बिल्कुल नहीं आए। माशाल्लाह से पिजन सभी गोल हैं, अभी नहीं बुलाएंगे इनको, तो वापस ही भेजते हैं आगे और देखते हैं। इनको भेजते हैं आगे और दूसरी छत वाले इनको बुठाने की फुल कोशिश कर रहे हैं ये बुज़ुर्ग, लेकिन हम कोशिश नहीं करेंगे, हमारे कबूतर जाएं इनकी तरफ, तो हम इनको वापस बुलाएंगे, अभी देखते हैं ये वापस आते हैं या नहीं। तो अभी तो पहली हवा थी, तो ये नहीं आएंगे वापस, क्योंकि सारा दिन के बंद होते हैं और ये वापस नहीं आएंगे अभी, तो इनको वापस बुलाएंगे। ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, आओ आओ
तो अभी तो नहीं है, वापस आना चाह रहे हैं क्योंकि इनका अभी स्टेमिना पूरा नहीं हुआ। आ एक कबूतर मेरा उनका, माशाल्लाह से कबूतर अभी मेरे आ गए हैं। और आपको अपनी छत का व्यू दिखाता हूँ। माशाल्लाह से ये एक उड़ रहे हैं, इनके पास अपना एक कबूतर बैठ गया था, लेकिन अंकल अच्छे हैं, उन्होंने फौरी उस कबूतर को फड़काया और वापस भेजा। और माशाल्लाह से एक उस तरफ भी किसी की छत पर ओपन है, और जिन्होंने हमारा एक पिजन पकड़ा है वो सामने ये, तो इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमारा पिजन वापस दे दिया। अभी मैंने अपने पिजन को नीचे उतार लिया कबूतर को, और थोड़ा रेस्ट दिया है क्योंकि इनको रेस्ट मिलना चाहिए। और अभी ये दाना खाते हैं तो इनको फिर से फ्लाइंग करवाएंगे। फाइनली व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पिजन्स कबूतर पूरे हो गए हैं और इनकी फ्लाइंग भी हो गया। तो अब कल नेक्स्ट डे पे इनको खोलेंगे। फिलवक्त इनको मैंने अभी दाना वगैरह डाल दिया है और ये माशाल्लाह अभी खुश हैं और वापस आ गए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे पिजन्स पूरे हो गए हैं, क्योंकि एक पिजन्स वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, वो सामने वाली छत पर बैठ गया था। तो वो अंकल अच्छे थे, उन्होंने उसको फौरी उड़ाया और ये वापस मेरी छत पर आ गया। और माशाल्लाह से ये बहुत प्यारे कबूतर हैं, देखें आप। और अभी इनकी फ्लाइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इंशाल्लाह कोशिश इन पे वर्क हो रहा है कि इनकी फ्लाइंग अच्छी हो, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इनके ऊपर। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनका एक्सपीरियंस अच्छा कर सकूँ और इनकी फ्लाइंग भी बहुत अच्छी करूँ। और जैसा कि आपको पता है, बर्ड्स तो मेरे फिर माशाल्लाह से बहुत ही खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और ओपन केज है मेरा, यानी कि सनरूफ के नीचे है मेरा, तो अभी गर्मी की शिद्दत भी इजाफा है और इनको मैं कवर करता हूँ, क्योंकि एग वगैरह आए हुए हैं, उन पे भी एक वीडियो शूट होना है, तो उसके लिए भी एक टाइम निकालना पड़ेगा मुझे वीडियो शूट करने के लिए। तो अभी तो माशाल्लाह से ये केज वगैरह मेरे बेहतरीन है, बट परिंदे भी खुश हैं, ये देखिए माशाल्लाह से ये वाले भी सब बेहतरीन है और हैप्पी मूड में है इस टाइम। मॉर्निंग है ना, सुबह सुबह का टाइम होता है, तो बर्ड्स माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और ये तो अल्बाइनोस तो फिर माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और इनको दाना मैंने डाल दिया, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल खाली हो गया है। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मुझे पानी की ज़रूरत है, ये ना मैं प्यास से मर जाऊँ। तो मैं पानी पीने के लिए अभी नीचे जाऊँगा और इनको बंद कर दूँगा, क्योंकि इधर ना व्यूअर्स एक बिल्ली आती है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको बिल्ली से भी बचाया जाए। और अभी नेक्स्ट वीडियो मैंने बनानी है व्यूअर्स, क्योंकि इंशाल्लाह अभी मेरे पास टाइम तो नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद साहब के ऑपरेट, तो उसके लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और एक दो दिन मैं मसरूफ़ रहूँगा। तो फिर वहाँ से इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होंगे तो वीडियो बनाएंगे दोबारा। फिल वक्त तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर किया करें। उससे ये होता है कि यार हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और दिल करता है कि न्यू वीडियो बनाई जाए और हमारे व्यूवर्स देखते हैं। और कमेंट ज़रूर किया करें, जब आप वीडियो देखते हैं तो उस पर कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि उससे ये होता है कि यार हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और हमारा दिल करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी तरह इंटरटेनमेंट करते रहें। और जैसा कि माशाल्लाह से पहले बोलने लग गए आप देख रहे हैं, और ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है जी, सनरूफ में है। और ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।